हेलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अचीव आईएएस। माय माय नेम नेम इज इज आकाश आकाश विजयन विजयन और और आज आज हम हम लोग डिस्कस डिस्कस करेंगे करेंगे जो जो आपकी आपकी रिसेंटली रिसेंटली जो जो आपकी आपकी 15th 15th G20 G20 समिट समिट चल चल रही रही है है वर्चुअल वर्चुअल लेवल लेवल पे। पे बट बट रिसेंटली रिसेंटली नहीं, नहीं, वो वो आज आज भी भी अभी अभी जब जब मैं मैं वीडियो वीडियो रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर कर रहा रहा हूँ हूँ तो तो अभी अभी भी भी वीडियो वीडियो अभी अभी कंटिन्यू कंटिन्यू चल चल रही रही है, है, ये ये सबमिट सबमिट आपकी आपकी कंटिन्यू ठीक चल है। रही है। तो ठीक आपकी है, तो आपकी 21 और 22 नवंबर के बीच में के आपकी बीच सबमिट में होने आपकी वाली है, सबमिट 2 दिन होने तक वाली है, चलेगी ये दो दिन सबमिट। तक चलेगी ठीक ये है, तो सबमिट। हम ठीक है, तो हम जानेंगे जानेंगे कि कि क्या क्या कुछ कुछ G20 है, क्या G20 है, है क्या होता है G20 G20 और और इस इस समिट समिट में में ऐसा ऐसा क्या क्या खास खास है है जो जो हमारे हमारे लिए लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। है। ठीक ठीक है, है, और और क्यों क्यों ये ये G20 G20 जो जो है है ये ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है है हमारे हमारे लिए। लिए। ठीक ठीक है, है, तो तो चलिए चलिए स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं। हैं। सबसे पहले G20 के बारे में जान लेते हैं कि G20 है क्या। जैसे कि के वो नाम बारे से में पता जान लेते चल हैं कि रहा G20 होगा, है क्या। G20 मतलब मतलब ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ ट्वेंटी, ट्वेंटी, मतलब मतलब जो जो 20 20 कंट्रीज कंट्रीज होती होती हैं। हैं। ठीक ठीक है, है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल फोरम फोरम में में जिसमें जिसमें आपकी आपकी गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट्स वहाँ वहाँ की की जो जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के के जो जो सेंट्रल सेंट्रल बैंक बैंक होते होते हैं। हैं। ठीक ठीक है, है, उनके उनके गवर्नर्स गवर्नर्स आपके आपके इन्वॉल्व इन्वॉल्व होते होते हैं। हैं। ठीक ठीक है, है, और उनके लिस्ट में कंट्रीज कंट्रीज आपकी आपकी 19 19 कंट्रीज कंट्रीज आपकी आपकी इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल लेवल पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करती करती हैं, हैं, और और जो जो आपकी आपकी यूरोपियन यूरोपियन यूनियन यूनियन की की जो जो कंट्रीज कंट्रीज हैं हैं वो वो आपकी आपकी एक एक एज एज अ अ सिंगल सिंगल ब्लॉक ब्लॉक आगे आगे पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करती करती हैं। हैं। ठीक ठीक है, है, तो तो 19 19 कंट्रीज कंट्रीज आपकी आपकी इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल लेवल पर, पर, और और जो जो आपकी आपकी यूरोपियन यूरोपियन यूनियन यूनियन की की जो जो कंट्रीज कंट्रीज हैं हैं वो वो आपकी आपकी एक एक एज एज अ अ ब्लॉक ब्लॉक इसमें इसमें पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करती करती हैं। हैं। तो तो 1999 1999 में में इसकी इसकी फॉर्मेशन फॉर्मेशन की की गई गई थी। थी। ठीक ठीक है, है, उस उस वक्त वक्त इसका इसका जो जो एम एम था, था, जिसका जिसका मैंडेट मैंडेट था, था, वो वो था था आपका आपका प्रमोशन प्रमोशन ऑफ ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। ठीक ठीक है, है, लेकिन लेकिन 2008 2008 में में इसका इसका जो जो G20 G20 जो जो है है उसको उसको एक्सपेंड एक्सपेंड कर कर दिया दिया गया। गया। ठीक ठीक है, है, अब अब इस इस पे पे जो जो हेड हेड ऑफ ऑफ गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट्स की की भी भी इस इस पे पे मीटिंग मीटिंग होने होने लग लग गई, गई, और और आपकी आपकी फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर की की भी भी मीटिंग मीटिंग है, है, फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स की की भी भी मीटिंग मीटिंग है है, एंड एंड थिंक थिंक टैंक्स टैंक्स जो जो आपके आपके होते होते हैं, हैं, जो जो आपकी आपकी कंट्री कंट्री में में आपके आपके बहुत बहुत अच्छा अच्छा रोल रोल जो जो प्ले प्ले करते करते हैं, हैं, बहुत बहुत बड़ा बड़ा जो जो और और रोल रोल प्ले प्ले करते करते हैं, हैं, उनकी उनकी भी भी इसमें इसमें मीटिंग मीटिंग होती होती है। है। तो तो इंडिया इंडिया का का थिंक थिंक टैंक टैंक क्या क्या है? है? नीति नीति आयोग। आयोग। तो तो वैसे वैसे ही ही हर हर कंट्री कंट्री का का एक एक थिंक थिंक टैंक टैंक होता होता है, है, तो तो उनकी उनकी मीटिंग मीटिंग में में होती होती है। है। ठीक ठीक है, है, जैसे जैसे आपके आपके SCO, SCO, SCO SCO में में आपको आपको पता पता है है कि कि SCO SCO में में आपकी आपकी हेड हेड ऑफ ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट की की भी भी मीटिंग मीटिंग होती होती है, है, आपकी आपकी फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर आपके आपके सॉरी सॉरी फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर मिनिस्टर की की भी भी मीटिंग मीटिंग होती होती है, है, आपके आपके डिफेंस डिफेंस मिनिस्टर मिनिस्टर की की भी भी मीटिंग मीटिंग होती होती है। है। तो तो वैसे वैसे ही ही जैसे जैसे आपका आपका SCO SCO है है वो वो सिस्टम सिस्टम है, है, तो तो उसके उसके सिमिलर सिमिलर थोड़ा थोड़ा ये ये G20 G20 का का सिस्टम सिस्टम भी भी है। है। ठीक है, ठीक है, थोड़े थोड़े स्टैट्स स्टैट्स के के बारे बारे में में अब अब जान जान लेते लेते हैं। हैं। तो तो इसमें इसमें आपको आपको जैसे जैसे कि कि मैंने मैंने आपको आपको बताया बताया पहले पहले कि कि 19 19 इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंट्रीज कंट्रीज में में पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करती करती हैं, हैं, और और एक एक आपका आपका सिंगुलर सिंगुलर ब्लॉक ब्लॉक होता होता है है आपका आपका यूरोपियन यूरोपियन यूनियन, यूनियन, उसकी उसकी जो जो कंट्रीज कंट्रीज हैं हैं वो वो भी भी इसमें इसमें आपका आपका पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करती करती हैं। हैं। ठीक ठीक है, है, जो जो आपका आपका EU EU है है उसको उसको रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कौन कौन करता करता है? है? उसको उसको रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करता करता है है आपका आपका यूरोपियन यूरोपियन कमीशन कमीशन एंड एंड यूरोपियन यूरोपियन सेंट्रल सेंट्रल बैंक। बैंक। ठीक ठीक है, है, और और अगर अगर हम हम कलेक्टिवली कलेक्टिवली अगर अगर कुछ कुछ स्टैट्स स्टैट्स की की बात बात करें करें तो तो अगर अगर हम हम टोटल टोटल वर्ल्ड वर्ल्ड GDP GDP का का अगर अगर हम हम देखें देखें तो तो 90% 90% जो जो है है वो वो इन इन कंट्रीज कंट्रीज की की इकोनॉमी इकोनॉमी में में है। है। ठीक ठीक है, है, टोटल टोटल वर्ल्ड वर्ल्ड GDP GDP का का जो जो 90%90% है है वो वो टोटल टोटल इन इन 20 20 इकोनॉमीज इकोनॉमीज में में है। है। 20 20 कंट्रीज कंट्रीज तो तो नहीं नहीं है, है, पर पर EU EU को को इसमें इसमें जो जो है है एक एक ही ही इकोनॉमी इकोनॉमी माना माना गया। गया। ठीक ठीक है, है, तो तो इन इन कंट्रीज कंट्रीज में में जो जो है है आपकी आपकी 90%90% जो जो है है टोटल टोटल वर्ल्ड वर्ल्ड GDP GDP है, है, एंड एंड 80% 80% आपका आपका वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ट्रेड होता होता है है वो वो इन इन कंट्रीज कंट्रीज में में होता होता है, है, इन इन कंट्रीज कंट्रीज ये ये कंट्रीज कंट्रीज उनमें उनमें इन्वॉल्व इन्वॉल्व रहती रहती हैं हैं किसी किसी ना ना किसी किसी तरीके तरीके से। से। ठीक ठीक है, है, और और अगर अगर हम हम EU EU का का इंट्रा इंट्रा ट्रेड ट्रेड इसमें इसमें से से अगर अगर हम हम एक्सक्लूड एक्सक्लूड कर कर दें, दें, EU EU का का इंट्रा इंट्रा ट्रेड ट्रेड मतलब मतलब जो जो EU EU के के अंडर अंडर की की जो जो कंट्रीज कंट्रीज हैं हैं ना, ना, जो जो EU EU के के अंडर अंडर आते आते हैं, हैं, जो जो मतलब मतलब EU EU के के मेंबर्स मेंबर्स हैं, हैं, उनके उनके अगर अगर हम हम ट्रेड ट्रेड को को भी भी उसमें उसमें निकाल निकाल दें दें तो तो वो वो आपस आपस में में करती करती है, है, तो तो ये ये 75% 75% तक तक ही ही आपकी आपकी वैल्यू वैल्यू हो हो जाती जाती है। है। तो तो मतलब मतलब कुछ कुछ ज्यादा ज्यादा डिक्रीज डिक्रीज इसमें इसमें हम हम देखने देखने को को नहीं नहीं मिलता मिलता है। है। ठीक ठीक है, है, टू टू थर्ड थर्ड ऑफ ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉपुलेशन इसमें इसमें इन इन कंट्रीज कंट्रीज में में रिसाइड रिसाइड करती करती है, है,
ये ये सिर्फ सिर्फ आपको आपको एक एक मतलब मतलब एक सेंटेंस सेंटेंस बनाने के बनाने लिए के लिए लिखा दिया गया गया है, है, ठीक है, ठीक है, ताकि ताकि आपको आपको याद याद करने करने में में इजी इजी हो हो जाए, जाए, ठीक ठीक है। है। तो तो कैपिटल कैपिटल लेटर्स लेटर्स ओनली ओनली आपको आपको उसमें उसमें कंसीडर कंसीडर करने करने हैं। हैं। तो तो गुरुजी गुरुजी यहाँ यहाँ पर पर जी जी यू यू आर आर यू, यू, जर्मनी, जर्मनी, यूएसए, यूएसए, रशियन, रशियन, यूके। यूके। जी जी में में आपका आपका जे जे आई आई जापान, जापान, इंडिया। इंडिया। सीता सीता में में सऊदी सऊदी अरेबिया, अरेबिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपीन, फिलिपीन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अब अब में में आपका आपका अर्जेंटीना अर्जेंटीना एंड एंड ब्राजील। ब्राजील। एसएससी एसएससी में में आपका आपका साउथ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, साउथ साउथ कोरिया कोरिया एंड एंड चाइना। चाइना। एफसीआई एफसीआई में में आपका आपका फ्रांस, फ्रांस, कनाडा कनाडा एंड एंड इटली। इटली। एंड एंड मे मे में में आपका आपका मेक्सिको मेक्सिको यानी यानी यूरोपियन यूरोपियन यूनियन। यूनियन। ठीक ठीक है, है, तो तो आई आई होप होप आपको आपको ये ये ट्रिक ट्रिक जो जो है है और और हेल्प हेल्प करेगी करेगी इन इन कंट्रीज कंट्रीज को को याद याद रखने रखने में, में, ठीक ठीक है। है। इनको इनको आप आप अगर अगर याद याद कर कर लेंगे लेंगे तो तो आपके आपके लिए लिए बहुत बहुत अच्छा अच्छा रहेगा, रहेगा, क्योंकि क्योंकि रिसेंटली रिसेंटली इसमें इसमें एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन जी जी 20 20 से से पूछा पूछा गया गया था, था, तो तो आगे आगे भी भी जो जो चांसेस चांसेस हैं हैं कि कि और और भी भी एग्जाम्स एग्जाम्स में में इसको इसको पूछा पूछा जाए। जाए। तो तो 15 15 सबमिट सबमिट में में ऐसा ऐसा क्या क्या खास खास है है हमको हमको बताते बताते हैं। हैं। और और जो जो 15 15 सबमिट सबमिट है है वो वो इसका इसका प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इस इस बार बार कौन कौन था, था, जिसने जिसने इसको इसको होस्ट होस्ट किया किया वो वो था था आपका आपका सऊदी सऊदी अरेबिया। अरेबिया। सऊदी सऊदी अरेबिया अरेबिया को को पता पता है है कुछ कुछ दिनों दिनों पहले पहले भी भी G20 G20 का का क्यों क्यों था, था, क्योंकि क्योंकि जो जो सऊदी सऊदी अरेबिया अरेबिया ने ने एसके एसके उपलक्ष्य उपलक्ष्य में में जो जो एक एक नोट नोट प्रिंट प्रिंट करवाया करवाया था, था, उसमें उसमें जो जो पीसी पीसी वर्ल्ड वर्ल्ड मैप मैप था, था, उसमें उसमें G20 G20 कंट्रीज कंट्रीज को को दिखाया दिखाया गया गया था था हाईलाइट हाईलाइट करके। करके। तो तो उसमें उसमें जो जो इंडिया इंडिया का का जो जो हाईलाइट हाईलाइट करके करके दिखाया दिखाया गया गया था, था, उसमें उसमें जो जो जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर का का जो जो रीजन रीजन था था उसको उसको इंडिया इंडिया का का पार्ट पार्ट नहीं नहीं दिखाया दिखाया गया गया था, था, तो तो इसको इसको लेके लेके थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी कॉन्ट्रोवर्सी हुई हुई थी, थी, जिसको जिसको इंडिया इंडिया ने ने जो जो है है सऊदी सऊदी अरेबिया अरेबिया को को इस इस बात बात के के बारे बारे में में बताया बताया भी भी था, था, थोड़ा थोड़ा जताया जताया भी भी था, था, ठीक ठीक है। है। तो तो आपका आपका सऊदी सऊदी अरेबिया अरेबिया इसको इसको इस इस बार बार होस्ट होस्ट कर कर रहा रहा है, है, 21 से 22 नवंबर तक तक ये ये है। है। और और इस इस बार बार जो जो आपके आपके हैं हैं वो वो आपके आपके हेड हेड ऑफ ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट जिसने जिसने पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट किया किया है, है, आपके आपके 19 19 मेंबर मेंबर कंट्रीज कंट्रीज और और आपके आपके ईयू ईयू के के जो जो मेंबर मेंबर स्टेट्स स्टेट्स हैं, हैं, आपके आपके जो जो मेंबर मेंबर हेड हेड ऑफ ऑफ गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट्स हैं हैं उन्होंने उन्होंने इसमें इसमें पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट किया किया है। है। और और आपकी आपकी जो जो समिट समिट हुई हुई है है आपकी आपकी वर्चुअल वर्चुअल फॉर्मेट फॉर्मेट में में हुई हुई है, है, इन इन पर्सन पर्सन ये ये मीटिंग मीटिंग नहीं नहीं हुई हुई है। है, क्यों क्यों नहीं नहीं हुई हुई है? है? क्योंकि क्योंकि आपका आपका कोविड कोविड 19 19 पैंडेमिक पैंडेमिक जो जो है है वो वो अभी अभी चल चल रहा रहा है। है। ठीक ठीक है, है, तो तो थीम थीम क्या क्या थी थी इस इस बार बार की? की? इस इस बार बार की की थीम थीम थी थी आपकी आपकी रियलाइजिंग रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉर ऑल ऑल ऑफ 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 21st 21st सेंचुरी सेंचुरी फॉर फॉर ऑल। ऑल। तो तो मतलब मतलब एक एक तरह तरह से से देखें देखें आप आप तो तो इसका इसका मतलब मतलब क्या क्या है, है, और और एक एक इंक्लूसिव इंक्लूसिव अप्रोच अप्रोच ये ये लोग लोग चलाने चलाने की की बात बात कर कर रहे रहे हैं, हैं, ठीक ठीक है। है। G20 G20 में में जो जो इंक्लूसिवनेस इंक्लूसिवनेस का का बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा बोलबाला बोलबाला है, है, आप आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर हर जगह जगह अगर अगर देखेंगे देखेंगे इसकी इसकी इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस, तो तो इंक्लूसिवनेस इंक्लूसिवनेस जो जो आपकी आपकी आपका आपका जो जो वर्ड वर्ड है है ना ना इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, वो वो आपको आपको बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा मिल मिल जाएगा, जाएगा, काफी काफी फ्रीक्वेंट जो फ्रीक्वेंट जो आपका आपका मिल मिल जाएगा, जाएगा, ठीक ठीक है। है। अगर अगर आप आप देखेंगे देखेंगे तो तो मतलब मतलब इस इस बार बार भी भी जो जो है है कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं वो वो इसी इसी से से रिलेटेड रिलेटेड था था कि कि जो जो अपना अपना इंक्लूसिव इंक्लूसिव जो जो हमारी हमारी अप्रोच अप्रोच है है हम हम उसको उसको अडॉप्ट अडॉप्ट करें, करें, और और उसी उसी के के तरीके तरीके से से जो जो है है अपनी अपनी प्लानिंग प्लानिंग या या फिर फिर कंडक्ट कंडक्ट को को एडजस्ट एडजस्ट करें, करें, ठीक ठीक है। है। तो तो जो जो एजेंडा एजेंडा ऑफ ऑफ द द समिट समिट इज इज स्प्रेड स्प्रेड ओवर ओवर आउट आउट ओवर ओवर टू टू डेज डेज विद विद टू टू सेशन सेशन फोकस फोकस ऑन ऑन द द ओवरकमिंग ओवरकमिंग द द पैंडेमिक। पैंडेमिक। आपको आपको पता पता है है कि कि पैंडेमिक पैंडेमिक चल चल रहा रहा है, है, तो तो पैंडेमिक पैंडेमिक की की वजह वजह से से जो जो है है जो जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने जितने भी भी आपके आपके इंटरनेशनल इंटरनेशनल फोरम्स फोरम्स है है ना, ना, उनकी उनकी पहली पहली प्रायोरिटी प्रायोरिटी इस इस पैंडेमिक पैंडेमिक को को डील डील करने करने की की बन बन गई गई है, है, ठीक ठीक है। है। पैंडेमिक पैंडेमिक से से जो जो हमारे हमारे इफेक्ट इफेक्ट देखने देखने को को मिलने मिलने जो जो लूपहोल्स लूपहोल्स देखने देखने को को मिले मिले हैं, हैं, सबसे सबसे पहले पहले हम हम उन उन लूपहोल्स लूपहोल्स को को भरें, भरें, ठीक ठीक है। है। उन उन कमियों कमियों को को पूरा पूरा करें, करें, ठीक ठीक है। है। तो तो इस इस बार बार आपको आपको पता पता है है पैंडेमिक पैंडेमिक की की वजह वजह से से सबसे सबसे बुरा बुरा असर असर आपको आपको एक एक अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था पर पर दिखाई दिखाई गया, गया, ठीक ठीक है। है। तो तो अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर हर कंट्री कंट्री की की डूब डूब गई, गई, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर हर कंट्री कंट्री की की चाहे चाहे डेवलपिंग डेवलपिंग हो हो चाहे चाहे डेवलप्ड डेवलप्ड हो, हो, ठीक ठीक है। है। तो तो इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिकवरी रिकवरी कैसे कैसे करें, करें, आपकी आपकी जो जो जॉब्स जॉब्स आपकी आपकी अभी अभी आपकी आपकी छुट्टियां छुट्टियां लोगों लोगों की की जो जो आपका आपका अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रेट बढ़ा बढ़ा है, है, उसको उसको कैसे कैसे हम हम रिस्टोर रिस्टोर करें, करें, कैसे कैसे हम हम लोगों लोगों को को ज्यादा ज्यादा से से ज्यादा ज्यादा रोजगार रोजगार दें, दें, ठीक ठीक है। है। इंक्लूसिव इंक्लूसिव वर्ड वर्ड वगैरह वगैरह मैंने मैंने आपको आपको काफी काफी ज्यादा ज्यादा देखने देखने को को मिलेगा मिलेगा ये, ये, तो तो इंक्लूसिव इंक्लूसिव वर्ड वर्ड वगैरह वगैरह म
फिर से इंक्रीजिंग एंड सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर हम लोग कैसे बना सकते हैं आप लोग अपने लोगों के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है इसके बारे में ही इसके लिए जो है पूरी जो समिट है इस पर फोकस करेंगे। तो कुछ हाईलाइट्स हम देख लेते हैं हमारे पर्सपेक्टिव से। द पीएम कांग्रेचुलेटेड द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इट्स लीडरशिप फॉर सक्सेसफुल प्रेसिडेंसी ऑफ यूनिटी दिस ईयर। तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद जो सऊदी अरेबिया की जो इंडिया के रिलेशन है वो काफी अच्छे हो चुके हैं, मतलब ऑल टाइम हाई आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई के रिलेशन अब हो चुके हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया की प्रेसिडेंसी को एक सक्सेसफुल मतलब जी20 समिट होल्ड करवाने के लिए कंग्रेचुलेट किया। तो ये काफी ज्यादा अच्छा जेस्चर था, ठीक है। पीएम टर्म द कोविड-19 पेंडेमिक एज एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। आपको पता है कि हमारे इंडिया में जितनी डोमेस्टिक स्पीच हुई है ना उसमें भी कई बार मोदी जी ने बोला है कि जो ये जो आपका ये पेंडेमिक है ये काफी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है ह्यूमन हिस्ट्री में, ठीक है। उनका ये भी कहना था कि जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो सबसे बड़ा संकट जो मानवता ने देखा है वो ये पैंडमिक ही है जो हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो उन्होंने कई बार इस बात को अपनी स्पीचेस में इंडिया में भी कहा है, ठीक है। अभी उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे भी बोल दिया, उन्होंने ये भी कहा था कई बार, आपको पता होगा कि इस आपदा को एक अवसर में बदलने की जरूरत है। जो ये आपकी एक डिजास्टर आया है इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए ताकि हम नई से नई अपनी अप्रोच को चेंज कर सकें, जो हमें लूप जो हमें लूप होल्स हैं जो हमारी गवर्नेंस में हमारे सिस्टम में उनको हम रेक्टिफाई कर सकें, ठीक है। इनोवेशन टेक्नोलॉजी और इक्वालिटी इंक्लूसिवनेस इनके थ्रू हम लोग जो लोग जो है ज्यादा से ध्यान दे सकें और अपने एनवायरमेंट पे ऑब्वियसली ध्यान दें, ठीक है।
तो ही ही कॉल्ड कॉल्ड फॉर फॉर डिसिजिव डिसिजिव एक्शन एक्शन बाय बाय जी जी ट्वेंटी ट्वेंटी नॉट नॉट लिमिटेड लिमिटेड टू टू इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिकवरी रिकवरी जॉब्स जॉब्स एंड एंड एफ एफ ट्रेड ट्रेड बट बट टू टू फोकस फोकस ऑन ऑन प्रिजर्विंग प्रिजर्विंग प्लैनेट प्लैनेट अर्थ। अर्थ। उन्होंने उन्होंने क्या क्या कहा, कहा, उन्होंने उन्होंने ये ये कहा कहा है है कि कि जी जी ट्वेंटी ट्वेंटी का का जो जो मैंडेट मैंडेट है, है, जो जो उनके उनके जो जो एक्शन एक्शन प्लान प्लान वो वो लोग लोग निकालेंगे, निकालेंगे, वो वो सिर्फ सिर्फ इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिकवरी रिकवरी जॉब्स जॉब्स या या फिर फिर ट्रेड ट्रेड इन इन तक तक सीमित सीमित ना ना रहे, रहे, वो वो जो जो है है वो वो प्लैनेट प्लैनेट अर्थ अर्थ के के बारे बारे में में भी भी जरूर जरूर कुछ कुछ सोचें, सोचें, उसको उसको बचाने बचाने की की सोचें, सोचें, क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि वो वो पता पता है है कि कि अगर अगर हम हम प्लैनेट प्लैनेट अर्थ अर्थ को को नहीं नहीं बचाएंगे बचाएंगे तो तो कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं ये ये जो जो पैंडेमिक पैंडेमिक हम हम देख देख रहे रहे हैं हैं ना, ना, ये ये काफी काफी ज्यादा ज्यादा बढ़ बढ़ जाएंगे, जाएंगे, ठीक ठीक है? है? अगर अगर हम हम प्लैनेट प्लैनेट अर्थ अर्थ अगर अगर क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज चेंज या या फिर फिर एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्रेंडली मेजर्स मेजर्स का का हम हम लोग लोग उपयोग उपयोग नहीं नहीं करेंगे, करेंगे, उनका उनका यूज यूज नहीं नहीं करेंगे, करेंगे, तो तो कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं जो जो है है हमारे हमारे लिए लिए ही ही मुश्किल मुश्किल बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, ह्यूमन ह्यूमन टू टू एनिमल एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा बढ़ बढ़ जाएगा, जाएगा, और और कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं हमारे हमारे ही ही जो जो हमारा हमारा जो जो फ्यूचर फ्यूचर है है उस उस पर पर कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क मार्क लग लग जाएगा जाएगा काफी काफी बड़ा, बड़ा, ठीक ठीक है? है? तो तो नेक नेक क्रस्टिस क्रस्टिस वाली वाली बात बात भी भी कही कही है, है, ठीक ठीक है? है? क्रस्टिस क्रस्टिस वाली वाली बात बात मैं मैं आपको आपको बताऊंगा बताऊंगा कि कि क्या क्या है, है, एंड एंड देन देन पीएम पीएम कॉल कॉल फॉर फॉर अ अ न्यू न्यू ग्लोबल ग्लोबल इंडेक्स इंडेक्स फॉर फॉर द द पोस्ट पोस्ट कोरोना कोरोना वर्ल्ड वर्ल्ड दैट दैट कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज फोर फोर की की एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। उन्होंने उन्होंने इंडेक्स इंडेक्स की की बात बात की की ग्लोबल ग्लोबल इंडेक्स इंडेक्स की, की, ठीक ठीक है है ना? ना? तो तो इसमें इसमें जो जो चार चार फोर उन्होंने उन्होंने जो जो एलिमेंट्स एलिमेंट्स जो जो पैरामीटर्स पैरामीटर्स बताए बताए वो वो था था कि कि क्रिएशन क्रिएशन ऑफ ऑफ अ अ वास्ट वास्ट टैलेंट टैलेंट पूल पूल एंड एंड शोरिंग शोरिंग द द टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी रिच रिच ऑल ऑल सेगमेंट सेगमेंट ऑफ ऑफ द द सोसाइटी, सोसाइटी, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम सिस्टम ऑफ ऑफ गवर्नेंस गवर्नेंस एंड एंड डीलिंग डीलिंग विद विद मदर मदर अर्थ अर्थ विद विद अ अ स्पिरिट स्पिरिट ऑफ ऑफ टच, टच, ठीक ठीक है? है? सबसे सबसे पहले पहले आपको आपको पता पता है है कि कि टैलेंट टैलेंट एक एक पूल पूल बनाया बनाया जाए जाए जिसमें जिसमें मतलब मतलब लोगों लोगों को को लोगों लोगों का का स्किल स्किल सेट सेट हो, हो, लोगों लोगों को को ज्यादा ज्यादा से से ज्यादा ज्यादा स्किल्स स्किल्स एक्वायर एक्वायर करने करने का का मौका मौका दिया दिया जाए। जाए। सेकेंड सेकेंड आपका आपका टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मतलब मतलब जो जो है है सोसाइटी सोसाइटी के के हर हर वर्ग वर्ग तक तक पहुंचे, पहुंचे, हर हर तो तो हर प्रकार की जितने भी आपके लोग हैं, हर हर किसी किसी तक तक पहुंचे, पहुंचे, चाहे चाहे वो वो गरीब गरीब हो हो चाहे चाहे वो वो अमीर अमीर हो, हो, ठीक ठीक है? है? ताकि ताकि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का का वो वो लोग लोग उपयोग उपयोग कर कर पाए। पाए। एंड एंड ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी आपको आपको पता पता है, है, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी किसी किसी भी भी एक एक डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री कंट्री में में काफी काफी ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होती होती है। है। अगर अगर उस उस देश देश में में ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी है है काफी काफी ज्यादा ज्यादा अच्छे अच्छे लेवल लेवल पे, पे, तो तो आप आप जो जो है है उसकी उसकी डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक जो जो मतलब मतलब डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है है वहाँ वहाँ की, की, उसको उसको आप आप आसानी आसानी से से मेजर मेजर कर कर सकते सकते हैं हैं कि कि हाँ, हाँ, ये ये कंट्री कंट्री जो जो है है एक एक रियल रियल टर्म्स टर्म्स में में ये ये डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री कंट्री है। है। कुछ कुछ कंट्रीज कंट्रीज होती होती हैं हैं जो जो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक होने होने का का दावा दावा करती करती हैं, हैं, लेकिन लेकिन वहाँ वहाँ पर पर ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी होती होती नहीं नहीं है, है, ठीक ठीक है? है? फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल चाइना, चाइना, चाइना चाइना हमेशा हमेशा कहता कहता है है कि कि ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी है है हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे, पे, पर पर आपको आपको भी भी पता पता है है कि कि वहाँ वहाँ पे पे कितना कितना ज्यादा ज्यादा वहाँ वहाँ पे पे आपका आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है है शिप शिप पे, पे, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल बिल्कुल भी भी नहीं नहीं होता, होता, ठीक ठीक है? है? एंड एंड देन देन आपका आपका डीलिंग डीलिंग विद विद मदर मदर अर्थ अर्थ विद विद द द स्पिरिट स्पिरिट ऑफ ऑफ ट्रस्टरशिप। ट्रस्टरशिप। अब अब ट्रस्टरशिप ट्रस्टरशिप क्या क्या होता होता है है कि कि हमें हमें पता पता है है कि कि हम हम लोग लोग क्या क्या कर कर रहे रहे हैं हैं आजकल, आजकल, जो जो हमारी हमारी अप्रोच अप्रोच है है वो वो ऐसी ऐसी हो हो चुकी चुकी है है कि कि हम हम लोग लोग एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट को को अपनी अपनी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पर्सनल पर्सनल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मान मान रहे रहे हैं, हैं, उसको उसको अपने अपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट के के हिसाब हिसाब से से हम हम उसको उसको एक्सप्लोइट एक्सप्लोइट कर कर लेते लेते हैं, हैं, ठीक ठीक है? है? हमारा हमारा जब जब मन मन करा करा हमने हमने कुछ कुछ भी भी कर कर लिया, लिया, कोई कोई भी भी हमने हमने कुछ कुछ भी भी कर कर लिया लिया जिसकी जिसकी वजह वजह से से एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट पर पर गंदा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना? तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऑनर ही समझना है अपने आप को। हमें अपने आप को क्या समझना है? हमें अपने आप को एक ट्रस्टी समझना है। ट्रस्टी का काम क्या होता है? ट्रस्टी का काम होता है सिर्फ मेंटेन करना, वो ओनर नहीं होता, वो मालिक नहीं होता उस चीज का, उसका काम होता है सिर्फ मेंटेन करना। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ मेंटेन करना है ताकि अच्छे से जो है स्मूथली सब कुछ चलता रहे, ठीक है? हमारा काम मालिक बन के इसको एक्सप्लोइट करने का नहीं है, अपना फायदा देखने का नहीं है, हमारा काम क्या है? ट्रस्टी बन के इसको मेंटेन करने का, ठीक है? तो एक इस बात पे काफी ज्यादा उन्होंने जोर दिया, एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने ये रखा। एंड देन पीएम अंडरस्कोर दैट इन द पास्ट टू डेकेड्स व्हाइल देयर हैज बीन एन एम्फेसिस ऑन कैपिटल एंड फाइनेंस द टाइम हैज कम टू फोकस ऑन मल्टी स्किलिंग एंड री स्किलिंग। तो उन्होंने क्या कहा कि जो पहले पे जो हमने फोकस किया, हमने किस पे किया ज्यादा से ज्यादा, वो है कैपिटल एंड फाइनेंस पे। तो अब क्या है, अब ऐसा समय आ चुका है कि हम लोगों को मल्टी स्किलिंग और री स्किलिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना में बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी जॉब्स खोई, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, ठीक है? तो उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि वो एक मल्टी स्किलिंग और री स्किलिंग अप्रोच जो है हम लोग अपनाएं, ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा स्किल सेट हो, एक ह्यूमन टैलेंट पूल बन जाए, ठीक है? ताकि जितनी भी आपकी ये अनइवन आपकी जो कहते हैं अनफोर्सिन सिचुएशन जो आपकी आती हैं, ऐसी स्थितियां जो आपकी उत्पन्न होती हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उससे जो है हमारे लोग आसानी से डील कर सके और जो उनकी लाइफ में उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो स्टैंडर्ड
वो वो जो जो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, वो जो डेमोक्रेसी है है ना, वो वो होगी होगी रियल रियल टर्म्स टर्म्स में, में फॉर फॉर द द पीपल, पीपल, बाय बाय द द पीपल, पीपल, नॉट नॉट द द पीपल। पीपल। ठीक ठीक है। है। तो तो ही ही ऑल्सो ऑल्सो सेड सेड दैट दैट डीलिंग डीलिंग विद विद द द एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट नेचर नेचर एज एज ट्रस्टीज ट्रस्टीज रैदर रैदर देन देन ओनर्स। ओनर्स। तो तो जो जो बात बात मैंने मैंने आपको आपको बताई बताई कि कि हमें हमें ओनर ओनर नहीं नहीं बनना, बनना, हमें हमें क्या क्या बनना बनना है, है, हमें हमें बनना बनना है है ट्रस्टी, ट्रस्टी, ताकि ताकि हम हम लोग लोग सिर्फ सिर्फ मेंटेनेंस मेंटेनेंस पे पे ध्यान ध्यान दें, दें, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करने करने पे पे ध्यान ध्यान ना ना दें, दें, क्योंकि क्योंकि कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं अगर अगर हम हम एसईओ एसईओ प्रोसेस प्रोसेस बनाएंगे बनाएंगे तो तो ये ये हमारे हमारे लिए लिए अच्छा अच्छा है, है, हमारी हमारी जो जो लाइफ लाइफ स्टाइल स्टाइल है है वो वो हो हो जाता जाता है है हेल्दी हेल्दी हो हो जाएगी। जाएगी। कि कि हम हम लोगों लोगों ने ने मेंटेन मेंटेन करने करने पे पे ध्यान ध्यान दिया, दिया, हम हम लोगों लोगों ने ने एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं नहीं किया। किया। तो तो मेंटेन मेंटेन करेंगे करेंगे तो तो हमारी हमारी जो जो अप्रोच अप्रोच होगी होगी वो वो कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्रेंडली होगी। होगी। ठीक ठीक है, है, जिसकी जिसकी वजह वजह से से ह्यूमन ह्यूमन टू टू एनिमल एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो जो आपका आपका है है वो वो कम कम हो हो जाएगा, जाएगा, जिसकी जिसकी वजह वजह से से जो जो ये ये वायरस वायरस जो जो आप आप देख देख रहे रहे हो हो ना, ना, जो जो ये ये बीमारियाँ बीमारियाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप ऑलमोस्ट हर हर मिनट मिनट सुन सुन लेते लेते हो हो कि कि एक एक नया नया वायरस वायरस आ आ गया, गया, चाइना चाइना में में वहाँ वहाँ आ आ गया, गया, ऐसे ऐसे हो हो गया। गया। तो तो ये ये जो जो वायरस वायरस आ आ रहे रहे हैं हैं ये ये थोड़े थोड़े कम कम हो हो जाएंगे, जाएंगे, बहुत बहुत कम कम हो हो जाएंगे जाएंगे ऑलमोस्ट 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 नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। ना ना के के बराबर। बराबर। ये ये हमारे हमारे लिए लिए ही ही अच्छा अच्छा है, है, हमारे हमारे जो जो फ्यूचर फ्यूचर उसके उसके लिए लिए अच्छा अच्छा है, है, हमारे हमारे आने आने वाली वाली जनरेशन जनरेशन के के लिए लिए अच्छा अच्छा है। है। और और जो जो पोल्यूशन पोल्यूशन हम हम लोग लोग देख देख लेते लेते हैं, हैं, जो जो इंडेक्स इंडेक्स जो जो पोल्यूशन पोल्यूशन के के वो वो बनने बनने लग लग गए गए हैं हैं कि कि ये ये सिटीज सिटीज नहीं नहीं पोल्यूटेड पोल्यूटेड है, है, ये ये है है वो वो है, है, तो तो वो वो भी भी हमारे हमारे लिए लिए अच्छा अच्छा हो हो जाएगा। जाएगा। पोल्यूशन पोल्यूशन में में देखने देखने में में भी भी मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल हेल्थी हेल्थी लाइफ लाइफ स्टाइल स्टाइल हो हो जाएगा, जाएगा, लोगों लोगों की की जो जो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड लाइफ लाइफ है है वो वो अपने अपने आप आप बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। एंड एंड नोटिंग नोटिंग दैट दैट वर्क वर्क फॉर फॉर मेनी मेनी वेज वेज अ अ न्यू न्यू नॉर्मल नॉर्मल इन इन द द पोस्ट पोस्ट कोविड कोविड 19 19 वर्ल्ड, वर्ल्ड, पीएम पीएम ऑल्सो ऑल्सो सजेस्टेड सजेस्टेड क्रिएशन क्रिएशन ऑफ ऑफ अ अ जी जी ट्वेंटी ट्वेंटी वर्चुअल वर्चुअल सेक्रेटेरिएट सेक्रेटेरिएट एज एज अ अ फॉलो फॉलो अप अप एंड एंड डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन डेपोजिटरी डेपोजिटरी का। का। पता पता है है जी जी ट्वेंटी ट्वेंटी का का सेक्रेटेरिएट सेक्रेटेरिएट नहीं नहीं है। है। ठीक ठीक है, है, तो तो पीएम पीएम ने ने क्या क्या कहा कहा है है हमारे हमारे देश देश के, के, उन्होंने उन्होंने कहा कहा है है कि कि एक एक हमें हमें जी जी ट्वेंटी ट्वेंटी का का वर्चुअल वर्चुअल सेक्रेटेरिएट सेक्रेटेरिएट बनाने बनाने के के लिए लिए एक एक प्रपोजल प्रपोजल उन्होंने उन्होंने सबके सबके सामने सामने रखा रखा है। है। एंड एंड देन देन आपका आपका जो जो ये ये 15th 15th जी जी ट्वेंटी ट्वेंटी लीडर लीडर समिट समिट है, है, आपका आपका 15th 15th समिट समिट चल चल रहा रहा है है आपका आपका ये ये वाला वाला 21 21 से से 22 22 नवंबर नवंबर के के बीच बीच में। में। तो तो ये ये आपका आपका जो जो मैं मैं वीडियो वीडियो रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर कर रहा रहा हूँ हूँ अभी अभी भी भी ये ये कंटिन्यू कंटिन्यू है है समिट समिट आपका। आपका। ठीक ठीक है, है, तो तो अब अब जो जो ये ये समिट समिट आपका आपका खत्म खत्म हो हो जाएगा जाएगा 21 नवंबर21 नवंबर को, को, और और जो जो उसकी उसकी प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी वो वो किसको किसको दे दे दी दी जाएगी जाएगी वो वो आप आप ये ये इटली इटली को को दे दे दी दी जाएगी। जाएगी। ठीक ठीक है, है, तो तो अब अब जो 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 मतलब मतलब जो जो अब अब 16 16 समिट समिट होगी होगी जी जी ट्वेंटी ट्वेंटी लीडर्स लीडर्स की, की, वो वो आपकी आपकी कहाँ कहाँ पे पे होगी, होगी, वो वो होगी होगी आपकी आपकी इटली इटली में। में। वाई वाई जी जी ट्वेंटी ट्वेंटी इज इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। अब अब है है हमने हमने इतना इतना कुछ कुछ जान जान लिया लिया जी जी ट्वेंटी ट्वेंटी के के बारे बारे में, में, अब अब देखेंगे देखेंगे कि कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्यों क्यों है। है। ठीक ठीक है, है, अब अब जी जी ट्वेंटी ट्वेंटी प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स पॉलिसी पॉलिसी कोहेरेंस कोहेरेंस एनालिसिस एनालिसिस एंड एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल टूल्स टूल्स टू टू सपोर्ट सपोर्ट ग्रोथ ग्रोथ एंड एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। दिस दिस हेल्प्स हेल्प्स जी जी ट्वेंटी ट्वेंटी मेंबर्स मेंबर्स टू टू बेटर बेटर टारगेट टारगेट देयर देयर कोऑपरेशन कोऑपरेशन इन इन डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्रीज कंट्रीज एंड एंड कैन कैन हेल्प हेल्प एम्पलीफाई एम्पलीफाई डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड एंड एफर्ट्स एफर्ट्स ऑन ऑन द द इंटरनेशनल इंटरनेशनल एजेंडा। एजेंडा। आपको आपको पता पता है है जी जी ट्वेंटी ट्वेंटी में में डेवलप्ड डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रीज भी भी डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्रीज कंट्रीज भी भी है। है। तो तो कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं एक एक ऐसा ऐसा फोरम फोरम बन बन जाता जाता है है जहाँ जहाँ पे पे डेवलपिंग डेवलपिंग और और डेवलप्ड डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रीज एक एक सिंगल सिंगल प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे पे आके आके अपने अपने कंसर्न्स कंसर्न्स अपने अपने फ्रांस फ्रांस को को एक एक दूसरे दूसरे के के साथ साथ शेयर शेयर कर कर सकते सकते हैं। हैं। ठीक ठीक है है ना, ना, तो तो जिसकी जिसकी वजह वजह से से जो जो है है कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं कुछ कुछ ज्यादा ज्यादा और और ऑप्शंस ऑप्शंस खुल खुल जाते जाते हैं हैं और और ज्यादा ज्यादा अप्रोच अप्रोच खुल खुल जाती जाती है है कि कि वो वो लोग लोग कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेटेड मैनर मैनर में में जो जो है है ग्रोथ ग्रोथ एंड एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट की की तरफ तरफ अपने अपने कदम कदम बढ़ा बढ़ा सके। सके। एंड एंड इंक्लूसिव इंक्लूसिव सोसाइटीज, सोसाइटीज, आपको आपको पता पता है है ये ये वर्ड वर्ड काफी काफी देखने देखने को को मिलेगा। मिलेगा। ये ये थीम थीम भी भी आपकी आपकी जो जो है है इसी इसी बात बात से से रिलेटेड रिलेटेड है। है। इंक्लूसिव इंक्लूसिव सोसाइटीज सोसाइटीज मतलब मतलब हर हर वर्ग वर्ग को को है है जो जो साथ साथ लेके लेके चलना चलना है, है, किसी किसी वर्ग वर्ग को को साथ साथ पीछे पीछे नहीं नहीं छोड़ना, छोड़ना, चाहे चाहे कैसे कैसे भी भी लोगों लोगों को को किसी किसी को को पीछे पीछे नहीं नहीं छोड़ना, छोड़ना, सबको सबको साथ साथ लेके लेके चलना चलना है, है, किसी किसी भी भी डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेट नहीं नहीं करना करना है। है। देन देन अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज को को सबको सबको जो जो है है बराबर बराबर के के मौके मौके दिए दिए
इनकी अप्रोच अच्छी नहीं हुई, एक कोलैबोरेटिव मैनर में, एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है बहुत पीछे रह जाएंगे, अपने SDGs को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग अगर दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हो, इतनी आपकी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में, एक जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, ठीक है, ताकि और देशों को इसका अफेक्ट ना सहना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए भी ज्यादा, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन आपका इस बार के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो G20 का पार्ट है। तो आपको ए इनमें से बताना है कि ए सारी कंट्रीज आपकी G20 का पार्ट है, या बी में से, या सी में से, या डी में से। ठीक है, कौन सी चारों कंट्रीज आपकी G20 का पार्ट है, मतलब एक ऑप्शन में सारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसका इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर जरूर दे सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियरली आपको आपके माइंड में वो सेट हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब अचीव IAS एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।